नमस्कार। अगर आप भी महीने के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आप एक तरह से इसको ऐसे देखो कि आप एक बिज़नेस कर रहे हो। आपके पास कोई एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको अच्छा परसेंट मार्जिन मिलता हो, प्रॉफिट मार्जिन मिलता हो, तो आप अज्यूम करिए कि 20% मार्जिन वाला, प्रॉफिट वाला कोई आपके पास बिज़नेस है और आप उसमें हर महीने 5 लाख का माल बेच देते हो, चाहे आप बल्क में बेचो चाहे रिटेल में बेचो, पर आपके अगर 20% का अगर मार्जिन है, ऐसा कोई बिज़नेस है आपके पास जिसमें आपके पास 20% का मार्जिन है और आप 5 लाख का माल हर महीने बेच देते हो, तो आप 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हो। मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप किसी चीज़ के लिए, बिज़नेस के लिए थोड़ा खुले माइंड से सोचो कि कोई भी चीज़ कैसे वर्क करती है। ऐसे मानो कि आपको एक बिज़नेस कर रहे हो, उसको छोटे लेवल से पहले से देखो कि मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मुझे इसमें कितनी कॉस्ट लगी है परचेज़ करने में, इसके रॉ मटेरियल में मेरे को इसमें कितना चार्जेस लगे हैं। आपको बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, जैसे लेबर चार्ज हो गया, डिलीवरी चार्जेस हो गए, बहुत सारे होते हैं। इन सबको निकालने के बाद अगर मैं अपना 20% मार्जिन अगर बना पाऊँ प्रॉफिट में, तो जब मैं एक प्रोडक्ट में अपनी कैलकुलेशन निकाल लेता हूँ, मेरे को समझ में आ जाती है कि मुझे एक प्रोडक्ट में इतना बच रहा है, तो क्यों ना मैं अपने प्रोडक्ट को काफ़ी ऊपर बढ़ाऊँ और उसके बाद मैं लाखों रुपये महीना कमाऊँ। एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर आप 2000 रुपये प्रतिदिन अपने बिजनेस से कमा लेते हो तो आप उसको 30 दिन करते हो तो 60,000 रुपये होते हैं। वैसे ही 3000 से 90,000 रुपये महीना बनता है और 5000 से 1.5 लाख रुपये महीना बनता है। जब आपको पैसे का आवन जावन लगा रहेगा हाथों में, जब पैसा दिखने लगेगा, जब आप अपने आप बिज़नेस में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको एक ही बिज़नेस करना है, आप एक बिज़नेस से पैसा कमा के, एक इनकम सोर्स से पैसा कमा के अदर बिज़नेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, वहाँ से आप अपने पैसे इनकम ले सकते हो। आपको अगर बिज़नेस करना नहीं आता तो आप ओनली बिज़नेस की नॉलेज लेके, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ के, उनके बारे में अच्छे से डिटेल निकाल के आप और के बिज़नेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप खुद बिज़नेस करते हो तो वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छा है। तो इसी बात को समझाने के लिए एक ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, ये एक ऑडियो क्लिप ही है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। थैंक यू सो मच।